राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से चार महीने पहले शुक्रवार 28 जून को एनडीए की एकनाथ शिंदे सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बजट में महिलाओं और किसानों के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। इसमें किसानों का बिल माफ, खेती के लिए 5,000 रुपए प्रति हेक्टर बोनस की घोषणा की गई, गरीब परिवार को हर साल 3 गैस सिलेंडर मुफ्त और 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए कैश देने की योजना शामिल है। राज्य सरकार ने आम लोगों को राहत देते हुए वेट में 3% कटौती की घोषणा की है। इसमें पेट्रोल में 65 पैसे और डीजल की कीमतों पर 2 रुपए की कमी होगी। हालांकि इसका फायदा सिर्फ मुंबई, नवी मुंबई और ठाणे के लोगों को ही होगा। राज्य में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी की गठबंधन सरकार है। इसका कार्यकाल 8 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। अक्टूबर 2024 में चुनाव होने की संभावना है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।